नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ग्लूट एक्सरसाइज और हिप डिप एक्सरसाइज बताऊंगा। ये सभी एक्सरसाइज आप लोगों की बॉडी को टोन्ड बनाएंगे और आप लोगों में एक अलग ही बॉडी निखार जो है देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी वर्कआउट्स आप लोगों के ग्लूट्स को अच्छा बनाते हैं और साथ ही आप लोगों के वेस्ट को भी अच्छा बनाते हैं और आप लोगों को एक बॉडी जो शेप है वो देने में आप लोगों की मदद करते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी योगा मैट के लिए। योगा मैट जो है वो उसे तैयार कर लीजिए और करना स्टार्ट कर दीजिए कि ये सभी वर्कआउट्स जो कि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये सभी वर्कआउट्स आप लोगों की बॉडी को टोन करेंगे, साथ ही एक्स्ट्रा जो चर्बी है आप लोगों के शरीर पर उसे भी कम करने में आप लोगों की मदद करेंगे। तो सबसे पहला जो वर्कआउट है वो है स्टैंडिंग हील टचेस। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, दोनों पैरों को आपस में जो है थोड़ा फैला लेना है और उसके बाद में आप लोगों को सेम साइड आप लोगों को झुकना होता है और आप लोगों को अपनी हील को टचेस करना होता है। इसकी जो टारगेट मसल्स है अगर आप लोग देखेंगे तो ग्लूट है, हैमस्ट्रिंग मसल्स है और आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं उन्हें टोन करने में आप लोगों की मदद करती है ये एक्सरसाइज। साथ ही आप लोगों की जो कमर की जो चर्बी है उसे भी आप लोगों की कम करने में आप लोगों की हेल्प करती है। तो ये वेस्ट लाइन को अच्छा रखती है और आप लोगों के जो साइड की जो चर्बी है, लव हैंडल्स है, उसको कम करती है। अब आप लोगों के लिए है रेस्ट टाइम, तो आप लोग 10 सेकंड जो है वो रेस्ट कर सकते हैं और अपने एब्स को दिखा सकते हैं या आप लोग कहें कि अपने एब्स को आईने में देख सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है स्टैंडिंग वेस्ट सर्किल। इसमें आप लोगों को दोनों पैरों को थोड़ा दूरी पर रखना है और दोनों पैरों को थोड़ा रखना है, इसलिए कह सकते हैं। अब अपनी कमर पर हाथ लगाते हुए आप लोगों को एक वेस्ट सर्कल जो है आप लोगों को इस टाइप में बनाना है। ये इससे आप लोगों की जो वेस्ट है, लव हैंडल्स है, वो आप लोगों के अच्छा बनेगा और साथ ही जो ग्लूट्स हैं वो टोन बनेंगे। तो इस प्रकार आप लोग जो है एक वेस्ट से एक पूरा का पूरा सर्कल बना सकते हैं। इसे भी आप लोग 30 सेकंड्स या 40 सेकंड्स के लिए कर सकते हैं। अब 10 सेकंड्स का आप लोग ले सकते हैं रेस्ट। तो 10 सेकंड का रेस्ट लेने के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज, स्टैंडिंग सिंगल ग्लूट सर्किल। इसमें आप लोगों को सिंगल लेग से एक सर्किल बनाना होता है और इसको भी आप लोगों को 40 सेकंड या 30 सेकंड के लिए आप लोग कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को भी। तो टाइमिंग जो है वो आप लोगों की वीडियो स्क्रीन पर चली हुई है, उसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं और दोनों पैरों से आप लोगों को ये सर्किल जो है वो बनाना है। तो ये ग्लूट सर्किल हो गया, इससे आप लोगों के ग्लूट जो है वो टोन्ड बनते हैं। अब बात करते हैं हम लोग रेस्ट की। तो रेस्ट हो चुका है और आप अपने ग्लूट्स को टोन बना सकते हैं, थाइस को टोन बना सकते हैं और एक अच्छा फिगर, एक अच्छी बॉडी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो हेल्दी रहना सभी के लिए अच्छा ही बात है। नंबर फोर्थ एक्सरसाइज की बात करते हैं, ब्रिज पोज। ब्रिज पोज में आप लोगों को क्या करना है, पीठ के बल आप लोगों को लेट जाना है, दोनों पैरों के बीच में आप लोगों का गैप होना चाहिए और इसको 40 सेकंड्स के लिए आप लोग करेंगे और दोनों हाथ जो है आप लोगों को सरफेस पर रखने हैं, हथेलियों को टच करते हुए सरफेस के। और अब आप लोगों को अपने हिप्स को ऊपर की ओर जो है डायरेक्शन में ऊपर की ओर उठाना है और ऊपर की ओर ही स्क्वीज करना है। तो इससे आप लोगों की जो बैक जो है वो अच्छी बनेगी, वो टोन बन सकती है और साथ ही आप लोगों के पैल्विक पोर्शन पर ब्लड फ्लो जो है वो अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो इससे आप लोगों को ये एक आप लोग कैजुअल एक्सरसाइज में भी काउंट कर सकते हैं। तो आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं वो आप लोगों के टोन बनते हैं इस एक्सरसाइज से। अब आप जो है रेस्ट कर सकते हैं 10 सेकंड के लिए, इसमें डांस कर सकते हैं आप लोग, कुछ भी कर सकते हैं, कार्डियो वर्कआउट भी कम्प्लीट हो जाएगा। अब आप लोग स्क्वाट एक्सरसाइज करें 40 सेकंड्स के लिए, आप लोग जो है वो स्क्वाट एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्क्वाट एक्सरसाइज को करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखें और दोनों हाथों को सामने रखते हुए बस आप लोगों को नीचे की ओर बैठना है। इससे आप लोगों के जो घुटने हैं वो भी थोड़े मजबूत होते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को किसी प्रकार की इंजरी है तो प्लीज़ सावधान रहिए और अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर लीजिए किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले। स्क्वाट एक्सरसाइज को 40 सेकंड्स के लिए करेंगे तो आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं वो टोन्ड बनेंगे, आप लोगों की थाई मसल्स जो हैं वो भी टोन्ड बनेगी, तो आप लोग एक गुड लुकिंग फिगर जो है वो स्क्वाट एक्सरसाइज से पा सकते हैं। साथ ही एक बेहतरीन लुक आप लोग पा सकते हैं अपने फिगर को देने के लिए। तो स्लिम रहिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए, यही अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों से चाहता है। सिंगल लेग बैक किक आप लोग 6 नंबर एक्सरसाइज करेंगे 40 सेकंड्स के लिए। इसमें आप लोगों को प्लैंक पोजीशन पर रहना है, यानी कि टेबल टॉप पोजीशन में आप लोगों को रहना है और आप लोगों को एक पैर का घुटना मोड़ते हुए जस्ट आप लोगों को जो है टर्न करना है, दोबारा से उसी पोजीशन पर लेकर आना है। तो वो पोजीशन जो है
वो आप लोगों की बैक किक रहेगी, डंकी किक लाइक रहेगी आप लोगों की। तो सिंगल लेग अगर आप लोग देखेंगे वीडियो को भी, तो आप लोगों के जो ग्लूट है वो अंदर की ओर जो है वो स्क्वीज हो रहे हैं, तो इससे आप लोगों का जो मसल्स मास है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, टोंड बनेंगे आप लोगों के ग्लूट्स, और ये एक बेहतरीन एक्सरसाइज है ग्लूट की जिसे आप लोगों को करना ही चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग रेस्ट की, तो रेस्ट में आप लोगों को एक आराम मिलता है, तो इसमें आप लोग जो है अपने ग्लूट्स को एक आराम दे सकते हैं। नंबर 7 एक्सरसाइज है प्लैंक क्लाइंबर, इसमें आप लोगों को 40 सेकंड्स के लिए करना है इस एक्सरसाइज को भी। इसमें आप लोगों को प्लैंक पोजिशन पर रहना है, हाई प्लैंक पोजिशन में रहना है। उसके बाद में आप लोगों को एक पैर का घुटना मोड़ते हुए जो है सामने की ओर लाना है चेस्ट की ओर, फिर आप लोगों को उसी पैर को उसी पोजीशन पर लेकर जाना है, यानी कि स्ट्रेट पोजीशन, यानी कि प्लैंक पोजीशन। अब दूसरे पैर को आप लोगों को अपना घुटना मोड़ते हुए चेस्ट की ओर लाना है। तो ये एक्सरसाइज अगर आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो आप लोगों को आराम मिलेगा और आप लोगों को जो ग्लूट्स हैं उन्हें टोंड करने में आप लोगों को आसानी मिलेगी, यानी कि जल्दी आप लोग अपने ग्लूट्स को टोंड बना सकते हैं। तो ये कंटिन्यू एक्सरसाइज कीजिए और आप लोग हेल्दी रहिए, फिट रहिए, यही अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आता है। 10 सेकंड का फिर से आप लोगों को रेस्ट मिल जाता है, रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए और ग्लूट्स को भी आराम दीजिए। अब 40 सेकंड्स के लिए लास्ट एक्सरसाइज यानी कि नंबर 8 एक्सरसाइज करते हैं, अल्टरनेटिव लेग बैक किक्स। दोनों लेग्स को प्लैंक पोजिशन पर रहिए, दोनों लेग्स को बैक किक पोजिशन पे लाइए, और इसमें आप लोगों को देखिए पूरा लेग जो है वो ऊपर की ओर आप लोगों को लेकर जाना है, तो ग्लूट्स कितनी अंदर की ओर स्क्वीज हो रहे हैं आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ग्लूट्स को एक अच्छा टोंड बनाने में, अच्छा फिगर बनाने में आप लोगों की ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी हेल्प कर सकती है। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने फेसबुक अकाउंट पर, अपने व्हाट्सएप पे, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी। तो हेल्दी रहिए, फिट रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।